महिला सुरक्षा के मुद्दे पे बीजेपी की एमएलए खास करके महिला एमएलए जो हैं पश्चिम बंगाल के असेंबली के सामने बैठ के वो धरना प्रदर्शन कर रही है। बरसात भी हो रही है, हाथ में छाता भी है, पोस्टर्स बैनर्स भी हैं। महिला सुरक्षा जहां पे कूच बिहार और चोपड़ा जो हाल ही में हुए जहां पे महिलाओं के साथ बर्बरता दिखा गया, ऐसे ही कांड के बाद यहाँ पे धरने पे बैठे हैं बीजेपी के जो एमएलएज हैं। एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी, आज गवर्नर गए थे नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी में, चोपड़ा कूचबिहार की जिन महिला के साथ जो बर्बरता हुआ उनके साथ बातचीत उन्होंने की है। आप लोग यहाँ पे जो धरना आप लोग रख रहे हो ये कितने दिन चलेगा? देखिए, हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं, कल भी किए थे और आगामी दिन में भी हम लोग करेंगे। और ये आंदोलन सिर्फ कूचबिहार और चोपड़ा के लिए नहीं, ये पूरा महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है पश्चिम बंगाल से लास्ट 13 इयर्स में, हर दिन जो विवस्त्र करने का घटना, अभी कैंगरू कोर्ट का घटना सामने आया है चोपड़ा में, आज मॉब लिंचिंग का घटना हो रहा है, आज भी सुबह एक मॉब लिंचिंग हुआ है 13th आज पश्चिम बंगाल में, तो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये सब कुछ का विरोध करते हुए आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग जो आंदोलन कर रहे हो, क्या इस आपको लगता है इस आंदोलन से कुछ डिफरेंस आएगा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे, खासतौर से क्योंकि आप लोग महिलाओं के सुरक्षा के बारे में ही बात कर रहे थे? देखिए, आंदोलन ही सब कुछ का हल निकाल सकता है, आंदोलन और डायलॉग। तो डायलॉग से तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा कोई मान्यता नहीं देता है, भाजपा का कोई मान्यता या विरोधी का कोई मान्यता नहीं देता है ये सरकार। आज भी देखिए, जो अभी तक एमएलए नहीं हुआ है उसको हमारे स्पीकर साहब परमिशन दिए, और हम लोग जो 3 बरस से एमएलए है हम लोग को परमिशन नहीं मिला। तो कूचबिहार का जो विक्टिम है, जिसको विवस्त्र करके गांव में नेकेडली परेड किया गया, उनके लिए हम लोग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांगते हैं। और गवर्नर के साथ कोई बातचीत हुई आपकी तरफ? ऑनरेबल गवर्नर के साथ बातचीत हो रहे हैं, और ऑनरेबल गवर्नर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड ऑनरेबल एलओपी के बाद से वो आज सिलीगुड़ी गए हैं, उन्होंने लोगों की बात से आज विक्टिम से मिले हैं, और आगामी दिन में भी हम लोग विक्टिम को लेकर गवर्नर के पास राजभवन में जा सकते हैं, और प्रेसिडेंट के साथ मिलने भी हम लोग जा सकते हैं। तृणमूल का दावा है कि सरकार अपना काम कर रही है, इसीलिए अरेस्ट जो है वो हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं ये वो मान रहे हैं, लेकिन अरेस्ट भी हो रहे हैं। मालूम है अरेस्ट कितना हो रहा है वो तो मुझे मालूम है, और अरेस्ट होकर नेक्स्ट दिन उनको छुटकारा मिल जा रहा है ये भी हम लोग को मालूम है। क्योंकि आज कूचबिहार का जो घटना, आप छोड़ दीजिए वो भाजपा का कार्यकर्ता है, आप भूल जाइए वो मुस्लिम है, वो एक माँ है, बंगाल की एक माँ है। उनका घटना घटा 25 तारीख 25th of June, 30th तक पुलिस उनका बयान नहीं लिया, और पुलिस अपनी तरह से केस सजा लिया, सजा के 4 जन को अरेस्ट भी कर लिया, और नेक्स्ट डे 2 जन का छुटकारा भी हो गया। तो हमको मालूम है हमारे पुलिस मंत्री, हमारे ममता बनर्जी का पुलिस किस तरह से काम करते हैं, ये हम लोग को मालूम है, इसीलिए हम लोग को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए। कूचबिहार के इंसिडेंट में बीजेपी के महिला जो एमएलएज हैं उनका दावा है कि सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, और जो विक्टिम्स हैं उनको राजभवन भी ले जाएंगे। दो सामने हाल ही में ऐसे जो इंसिडेंट सामने हुए थे वो पश्चिम बंगाल में, एक चोपड़ा और दूसरा कूचबिहार, जिसके बाद आज गवर्नर भी गए और कूचबिहार की जो महिला थी उनके साथ तो मिले वो, और वहीं से वो दिल्ली चले गए, लेकिन यहाँ पे बीजेपी की तरफ से जो प्रदर्शन है वो चल रहा है नारी सुरक्षा को लेकर। कैमरा पर्सन प्रवीण विश्वास के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक